दोस्तों वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना आप इस खूबसूरत सी दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते? लाइट, राइट? बट लाइट खुद में ही इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में हम सब कुछ नहीं जानते. लाइक इसका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, या एल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने के बावजूद कि लाइट का स्पीड एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है, या सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ग्लासेस ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? दोस्तों अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही जिज्ञासु इंसान हो, और आपकी इसी जिज्ञासा को कायम रखने के लिए हम इन सवालों का आंसर करने वाले हैं, क्योंकि इनके जवाब इतने खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है कि इन्हें जाने बिना आप फिजिक्स के बहुत ही बड़े हिस्से और रोमांच को मिस कर रहे हो. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्र, एंड चलिए जानते हैं प्रकाश के बारे में. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई स्पीड चेंजेज. लाइट जिसके बारे में खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि उसकी स्पीड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, फिर अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग स्पीड से चलता हुआ क्यों दिखाई देता है? कुछ तो गड़बड़ है, राइट? वेल हाँ, गड़बड़ तो है, बट उसे समझने के लिए हमें लाइट की वेव नेचर का यूज करना होगा, एंड उसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है. वैक्यूम या उस जगह जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वह मैक्सवेल इक्वेशन यू कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसे सॉल्व करने के बाद आप स्पीड ऑफ लाइट की मैथमेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को बताने वाला यह मैक्सवेल इक्वेशन वैक्यूम में बहुत ही सुंदर और सुशील दिखता है, बट इसका असली आतंक तो मीडियम के इंट्रोड्यूस होने के बाद शुरू होता है. मीडियम्स लाइक एयर, वाटर, ग्लासेस या कुछ भी, इन सभी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होता है, और उसे मीडियम में कुछ इस तरह का नज़ारा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेज अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए इन्हें हम डाइपोल कहते हैं, जिनका अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है. इस पोलराइजेशन की वजह से मीडियम में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है, वह ओरिजिनल वाले वेव के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने लगता है, एंड उसके बिहेवियर में आने वाले चेंज को हम इस न्यू मैक्सवेल इक्वेशन से स्टडी करते हैं. बेसिकली जब लाइट मीडियम में एंटर करती है, तो उस लाइट की वजह से मीडियम पोलराइज हो जाता है, एंड फिर उसी लाइट की वजह से ये पोलराइज्ड डाइपोल्स ऑसिलेट करने लगते हैं, जिससे मीडियम में अपना ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस होता है. ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, एंड फिर जो फाइनल सुपरपोजिशन क्रिएट होता है, वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से स्लो चलता हुआ दिखता है. वेल, ओरिजिनली ये वेव्स अभी भी सेम स्पीड से ही मूव कर रहे हैं, बट उसके ड्राइविंग फोर्स में होने वाले बदलाव की वजह से ये स्लोइश टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. और एल्स अगर सच में ये स्लो हुए होते तो इसका मतलब था कि लाइट के पास मास है, रेस्ट मास, जो कि कंप्लीट नॉनसेंस है. नंबर 2, व्हाई ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट. इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हमें एक बार एटॉमिक मॉडल को देखने की जरूरत है. एक एटम का बेसिकली दो पार्ट होता है, न्यूक्लियस एंड उसे ऑर्बिट करने वाला इलेक्ट्रॉन. रदरफोर्ड और उनसे पहले सभी को ऐसा ही लगता था कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकता है, इसलिए वो न्यूक्लियस से किसी भी दूरी पर ऑर्बिट में पाए जा सकते हैं. बट नो, रदरफोर्ड के स्टूडेंट नील्स बोर और उनके बाद के रिसर्च ने हमें बताया कि न्यूक्लियस को ऑर्बिट करने वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास ऑर्बिट में ही एग्जिस्ट कर सकता है, उनके बीच नहीं. अगर ये और ये इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल ऑर्बिट है, तो वह इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड जब भी उस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना होगा, वह डायरेक्ट टेलीपोर्ट करेगा. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्वांटम रैंडमनेस, यहाँ पर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगा, एंड इसलिए स्पेशल रिलेटिविटी के रूल्स को भी ब्रेक नहीं करेगा. अब दोस्तों हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास दूरी पर ही अपनी वेविनेस के साथ एग्जिस्ट करेंगे, एंड जब भी उन्हें अपनी यह दूरी बदलनी होगी, उनके वेविनेस को बताने वाला वेव फंक्शन भी बदलेगा. बट एट वन कॉस्ट, जब भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करना होगा या फिर लूज. बट इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट की वजह से ये सिर्फ कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड लकली विजिबल रीजन में आने वाले फोटॉन्स, जिनकी वजह से हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देख पाते हैं, के पास इतना एनर्जी ही नहीं कि उन्हें ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हों, एंड इसीलिए जो फोटॉन्स इस मीडियम में जाते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आर पार निकल जाते हैं. एंड एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हम रेडियो वेव्स का यूज वाईफाई या सेल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, क्योंकि जैसे विजिबल लाइट के लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही रेडियो वेव्स के लिए हम और हमारे घर की दीवारें ट्रांसपेरेंट होती हैं. नंबर 3, व्हाई डज लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड अ पार्टिकल. एक क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क या फोटॉन, ये सभी वेव्स की तरह ही बिहेव करते हैं. बट जब भी कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ पर उनकी पोजीशन एंड मोमेंटम की जानकारी कुछ हद तक की सही, बट अगर यह इन्फॉर्मेशन कहीं पर स्टोर हो जाता है एंड फिर लीक होता है, तो उसे पार्टिकल का वेव फंक्शन कलैप्स माना जाता है, एंड फिर वह एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है. बट दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, हमारे फर्स्ट आंसर में फोटॉन्स एटम के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली इस इंटरैक्शन की वजह से बाहर से आने वाले फोटॉन्स की क्वांटम स्टेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो गई होगी, बट इसके बावजूद वह वेव्स की तरह ही बिहेव कर रहे थे. व्हाई इज दैट?
well, क्योंकि यहाँ पर फोटॉन्स अकेले नहीं थे एंड मीडियम में इंडक्शन की वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा फोटोन भी आ गए थे। इस वजह से ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन यूजलेस हो गया एंड किसी भी तरह से यह मीडियम के बाहर लीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह वेव की तरह बिहेव करते रहे। सो फ्रेंड्स, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नाम से ही मिसलीडिंग है, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स हमेशा वेव की तरह ही बिहेव करते हैं अंटिल कोई ऐसा इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से क्वांटम पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास लाइट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मार्क के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि हम उन्हें आसानी से स्पॉट कर सकें। एंड अगर हमारे पास लाइट पे ढेर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम इसका पार्ट टू भी जरूर लाएंगे। हाँ, ये हमारे FAQ सीरीज की शुरुआत भी है, जहां हम ज्यादातर पूछे गए सवालों के आंसर करेंगे, ताकि आप फिजिक्स एंड साइंस को सही तरह से जान सके। फिर मिलते हैं अगले फिजिक्स से बड़े वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।